धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में होने जा रहे पंजाबी रैप बोहेमिया और सिंगर गीता फैंस के शो की परमिशन रद्द कर दी गई है। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 12 तारीख को पुलिस ग्राउंड में शो होना था, लेकिन इस शो के ऑर्गेनाइजर ने पुलिस को सही जानकारी न देकर इस शो की इजाजत ली थी। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने कहा कि अविनाश नाम के व्यक्ति ने हमसे ये कहकर परमिशन ली थी कि उसे पुलिस ग्राउंड में एक म्यूजिक इवेंट करना है। उन्होंने बताया कि एनजीओ के साथ मिलकर ये इवेंट होगा और इसका कुछ पैसा होमलेस लोगों को दिया जाएगा, लेकिन बाद में जानकारी दी गई कि विदेशी कलाकार यहाँ आ रहे हैं। एसपी ने कहा कि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि किस एनजीओ के साथ मिलकर ये शो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ा इवेंट करवाने के लिए तमाम विभागों के सहयोग की जरूरत होती है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ग्राउंड की परमिशन को रद्द किया गया है। वहीं एसपी ने कहा कि पुलिस ग्राउंड में ये इवेंट नहीं होगा और अगर यह कहीं और करवाते हैं तो इसकी स्वयं ही जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि लोगों ने हजारों रुपए की टिकट भी इस शो के लिए खरीद ली थी। इस शो को पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जा चुके थे। कुछ समय पहले यहाँ पे अप्लाई किया था कि इसने एक म्यूज़िक इवेंट करानी है और इसमें जो है म्यूज़िक इवेंट करा के इसमें इसी एनजीओ के साथ कोलेबोरेशन में और इसमें जो कुछ पैसा ये कमाएंगे उसमें से कुछ जो अमाउंट है ये लोग होमलेस किड्स के लिए डोनेट करेंगे। तो क्योंकि एक सोशल कॉज था तो उसके तहत इसको परमिशन ट्रेडिशनल एसपी ने यहाँ से दे दी थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि इसमें एक आर्टिस्ट आ रहे हैं और एक इंटरनेशनल रैपर भी आ रहे हैं जिसमें कि ना तो इसने कोई इसके लिए कोई तैयारी करने के लिए, क्योंकि इवेंट है बड़ी सी और फॉरनर भी हैं, वो फॉरन सिटीजन हैं और ये बड़ी इवेंट होने का स्कोप है, पॉपुलर भी बहुत हैं लोगों में, इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों को आने का इसमें संभावना है। तो इस व्यक्ति ने ना तो कोई इसके लिए हमारे साथ कोई मीटिंग्स की, ना इसने कोई बाकी डिपार्टमेंटों के साथ मीटिंग की, क्योंकि ये तो एक इवेंट बहुत बड़ी इवेंट हो जाती है, इसको मैनेज करने का फुल फ्लेज प्रोफेशनल काम है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का भी रहता है और बाकी चीज़ों का भी रहता है इसमें, बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग पार्टिसिपेट यहाँ पे देखने आएंगे वो तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उस केस में लॉ एंड ऑर्डर की भी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी इसने मटीरियल इन्फॉर्मेशन हमारे से सप्रेस की और अभी भी एनजीओ के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कौन एनजीओ है और किन किड्स को किन होमलेस बच्चों की मदद करने जा रहा है सारी चीज़ों की। तो इस तरह से बिना किसी प्रिपरेशन के और इतनी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज करना और उसमें जो कि बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व है, बाकी सारे प्रशासन के सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका सहयोग वांछित होता है, उसके बगैर ऐसी इवेंट्स नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए इसको पहले तो हमने सुझाव दिया है कि इसको आप पोस्टपोन करें, इसको अगर करना है अच्छे से इसको अप्लाई करें और इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है 15-20 दिन का, तभी ऐसी इवेंट्स हो पाती हैं, इस पर मोमेंट ऐसी इवेंट्स नहीं होती हैं। तो इसके लिए इसको बोला गया था और इसको किसने जो है वो मटेरियल फैक्ट सप्रेस करके और चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके परमिशन हमारे से ली थी, तो इसके लिए इसकी परमिशन भी हम लोग द लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और बाकी चीज़ों के इंटरेस्ट में इसके लिए हमने परमिशन इसको कैंसिल कर दी। कल का इवेंट नहीं सर पुलिस ग्राउंड में नहीं होगा? नहीं, पुलिस ग्राउंड में नहीं होगा, बाकी जगह करेगा तो अपने रिस्पेक्ट करेगा।